माधव नगर अस्पताल में सफाई कर्मियों पर ठेकेदार की मनमानी हावी है। कर्मचारियों को पिछले 3 से 4 माह का वेतन नहीं दिया गया, मजबूर होकर कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उज्जैन के माधव नगर अस्पताल में ठेकेदार द्वारा सफाई कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते यह सफाई कर्मचारी पूरी ईमानदारी से काम करने के बाद भी वेतन के लिए भटक रहे हैं। विरोध करने पर आधा वेतन देने और नौकरी पर नहीं आने की धमकी भी ठेकेदार द्वारा दी जा रही है। इससे परेशान होकर कर्मचारियों ने आज कोठी पहुंचकर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपकर वेतन दिलाने की व सुरक्षा के उपकरण मास्क और सैनिटाइजर देने की मांग की। हमको 6,000 का बोल कर रखा था और अभी तो मैंने दिया, हमको ये महीना बाकी है तो कोई को 4,500 दिया, कोई को 5,000 दिया है। पिछले कितने महीने से आपकी तनख्वाह अभी तक नहीं मिली? एक महीने की अभी नहीं मिली है। अस्पताल में साफ सफाई कार्य करते हैं हम सभी को, इन्होंने कलेक्ट्रेट पर रखा गया था और अब कल पहले बोला हम आपको हमारे डायरियों की फोटो कापी ले लो और कानून वाला आपको सैलरी आएगी और अब वो कल कैश दे रहे थे वो और कैश भी सिर्फ 4,500 रुपये दे रहे, 4,500 रुपये दे रहे। तो इस कारण सभी हम कर्मचारियों ने हड़ताल के ना कलेक्टर ऑफिस के पास में आप काम कर रहे हो अभी तक कितनी सैलरी? हमको सर अभी तक सैलरी नहीं मिली, हमको करीब 1.5 महीने ज्यादा हो गया। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट।